सच्चाई ये वास्तविक में हम अंडर वियर और गंजी में थे, क्योंकि जैसे ट्रेन में चढ़े कुछ ही दूर तक निकले थे। मेरा पेट खराब था, मैं जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, झूठ में बोलता नहीं, इससे झूठ बोलने से मेरा फांसी नहीं पड़ जाएगा। तो बात यह है कि जैसे हम चढ़े तो कुछ देर के बाद लैट्रिन लगा, तो पतला पैखाना हो रहा था, हम फटाफट कुर्ता पैजामा फेंक किए, तौलिया गमछे यहाँ पर लिए, वो तौलिया को कस नहीं पाए, हम चले गए। जैसे गए थे बस जस हमारे बर्थ के आगे में दूसरे का बर्थ था, वो बोला कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं नंगा होके। हमने क्या बात हुआ, अरे लैट्रिन जा रहे हैं, बहुत जोर लैट्रिन हमको लगा है भाई, तो आप किस देश में। हम बोले दिखते हैं हाफ पेंट में हम हैं, हाफ पेंट में हैं, जंघिया यहाँ से यहाँ तक पहनते हैं हम, तो है आप नंगा होके जा रहे हैं। हमने हम जाएंगे भाई, पैखाना लगा है, हाथ हमारा पकड़ लिया, डिस्टर्ब कर दिया। हम झमारे दौड़ के हम गए लैट्रिन किए, लैट्रिन करके तब निकले। निकल के हम बोले भाई आप कौन हैं, आम पब्लिक हम हैं। हम उसका ये मास्क उतारे, आम पब्लिक हैं, आम पब्लिक ऐसे एक विधायक के साथ करता है, हमको क्या पता आप विधायक हैं क्या हैं। कहिए आपको पता होना चाहिए कोई ऐसा, हमारा 60 साल उम्र हो रहा है। और बोला लड़की के बारे में कुछ के बारे में, कोई नहीं था, कोई महिला थी ही नहीं उस जगह। खैर हमसे भूल हुई, सही बात है, लेकिन यही पेट खराब रहने के कारण मैं अपना बनियान डुअथी में इसमें गंजी और इसमें जंघिया में, तो जंघिया कच्चा नहीं था, वो फूल जंघिया था मेरा। वो सुने सुनिए ना, उसके बाद यही बोले, वो बोलने लगा भड़बड़, ऐसे नेतागिरी होता है, आप अपने आपको विधायक समझते हैं। वो दारू पिए हुए मूड में था, वो दारू, तब तक हमारे भी समर्थक जुट गए सब कुछ होके, हम चूहे चाहे कि उसको कुछ बोलें, बोल नहीं पाए। हमके लिए हम लास्ट में बोल दिए जो बोलना था बोले, उसके बाद हमारे समर्थकों ने उसको समझा बुझा, लेकिन समझा नहीं, इन लोगों से उलझ गया, कहिए आप लोग घटिया, हम इससे फरियाते हैं, उसी पर बोले, वो हो गया। उसके बाद पुलिस आ गई, पुलिस ने बोला क्या बात है, हम वहाँ पर थे अभी उसी ड्रेस में थे। बोले देख लीजिए मेरा ड्रेस, देख लीजिए कि जंघिया में है कि किस में है, और 60 साल हमारा उम्र हो रहा है, वो हाथ पकड़ लिया हमको, हमको बेइज्जत कर दिया, क्या क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं FIR कीजिए। वो हमको हमारे ऊपर धक्काबाजी किया, ये किया, उस पर हम उसको गाली गलौज किए, इसमें दो मत नहीं, ये हुआ। तो वो भी बढ़ चढ़ के लगने लगा, हम समझौता कर लिए, हम बैठ के बगल में उनसे माफ़ी मांग लिए, माफ़ कर दो भाई हम ही गलत हैं। हाँ है, आपका आपका ट्रेन में कुल मिला जुलाकर दोनों तरफ से आर्गुमेंट हुआ, पैसेंजर से भी आपकी वाद विवाद हुई, और फिर इसके बाद पैसेंजर से नहीं, एक व्यक्ति से, सिर्फ एक व्यक्ति से। तो इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या कहेंगे, क्यों ऐसी स्थिति आई, क्योंकि आरोप है कि महिलाएं थी उस जिस बॉगी में आप ट्रेवल कर रहे थे, और आपका आप पर अभद्रता का आरोप लग रहा है। महिला थी ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जल्दीबाजी में अगर हम कुछ पहनने लगते तो लैट्रिन हमको सीटें पर हो जाता, फिर कैसे साफ होता, नहीं होता, क्या लोग कहता। तो हम जल्दीबाजी में गंजी और बड़े जंघिया में, वो यहाँ तक जंघिया होता उसमें चले गए, तो उसी में उन्होंने हाथ पकड़ लिया, हम छुड़ा के भागे, पैखाना करके तुरंत लौटे। आप होते हैं कौन भाई, मास्क उतारे, उसके मुँह से दारू का बू आ रहा था। आखिरी सवाल की RPF के पहल के बाद ट्रेन आगे बढ़ी या फिर क्या हुआ, क्या RPF आया? हाँ, आया आया आया, दोनों का नाम नोट किया सबको, या फिर पूरे फोर्स आए, उसमें बोले जो करना है कर लीजिए, ये परिस्थितियाँ थी। फिर कोई किसी को FIR नहीं किया, उसको कोई दम ही नहीं था FIR कर, हमको दम था, तो हम क्यों पब्लिक से उलझें। और बगैर उस जगह बगैर टिकट का वो था, उठ के उस जगह भाग गया, दूसरे जगह उसका सीट था।